वेल well, इस मॉड्यूल uh, में वी आर गोइंग टू डिस्कस द दूटिव सिस्टम इन क्रस्टेशंस तो क्रस्टेशन जो है वो भी आर्थ्रोपॉड का एक ग्रुप है एक ऑर्डर है, एक है. Uh, तो इन क्रिस्टेशन uh, जो हैं ये हैव गिल्स नाइट्रोजनस वेस्ट इसमें बनते हैं जो के जो कि एक्वेटिक हैं उनके अंदर अमोनिया बनेगा लेकिन कुछ क्रिस्टेशन ऐसे हैं जो कि लैंड पे भी आ सकते हैं और वो आमतौर पे यूरिया बनाएंगे क्योंकि उन्हें वाटर सप्लाई रिलेटिवली कम हो जाएगी तो मोस्ट क्रिस्टेशन रिलीज अमोनिया दे आल्सो प्रोड्यूस सम यूरिया एंड यूरिक एसिड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट तो दी ऑर्गन ऑफ फ्रेश वाटर इन स्पीशीज आर मोर इन्वॉल्व विद द रीअब्जोप एंड एलिमिनेशन ऑफ वाटर दैन विद द डिस्चार्ज ऑफ नाइट्रोजस वेस्ट इसी तरह जिस तरह हम पहले पढ़ते आए हैं कि वाटर दैट मूव्स इन और uh, जो सरप्लस वाटर है दैट कम्स आउट ऑफ द बॉडी अलॉन्ग विद नाइट्रोजस वेस्ट तो द्रिटी ऑर्गन्स इन समस्टेश जैसे क्रेफिश है क्रैब्स हैं क्रैब्स भी हैं कुछ पानी में रहते हैं कुछ बाहर भी आ जाते हैं और uh, तो ये भी काफ़ी इन uh, इनके अंदर मल्टी uh, uh, यूज टाइप का हैबिटेट होते हैं तो इनके अंदर जो ग्लैंड हैं या yes, ऑर्गन्स हैं वी कॉल दम एज द एंटिनल ग्लैंड जो कि आमतौर पर विच आर आल्सो कॉल्ड एज ग्रीन ग्लैंड बिकॉज ऑफ देयर कलर एंड सिंस दे आर प्रेजेंट इन नियर एंटीना ऑफ द एनिमल तो इसलिए हम इसको एंटिनल ग्लैंड कहते हैं जिसकी लोकेशन हम इस डायग्राम में देख सकते हैं जैसे एनिमल जैसे क्रस्टेशन जो कि क्रेफिश कह सकते हैं इसे या लॉबस्टर भी कह सकते हैं वही इसका तकरीबन वही स्ट्रक्चर होता है मैनी लेक्स और इसका एक फोरेसिक uh, रीजन है तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज ग्रीन ग्लैंड और एक ग्रीन ग्लैंड को अगर हम इसको एनलाज करें तो दिस इज दम्पलीट स्ट्रक्चर ऑफ दिस ग्रीन लैंड कि जिसके अंदर सैक ये उसका ये इसका स्मॉल ये पार्ट इज कॉल्ड और ये कैनाल है और ये कैनाल जो है ये बड़ी भी हो सकती है यानी उसकी लंबाई ज्यादा भी हो सकती है कम भी होती है और ये डिपेंड करता है कि वो एनिमल कौन से हैबिटेट में रह रहा है तो ये अगर फ्रेश वाटर में रहता है तो ये लंबी होगी अगर मेरीन वाटर में रहता है तो ये आमतौर पे छोटी होती है और उसके बाद ये ब्लैडर है दिस ब्लैडर इज देन ओपन आउटसाइड एज द पोर। तो दिस इज द लोकेशन ऑफ दिसन तो एंटीना ग्लैंड लाइज इन फ्रंट ऑफ एंड ऑन बोथ साइड ऑफ ईसोफेगस द ग्लैंड इज डिवाइडेड इन टू एंड एंड सैक जो हमने देखा वेयर द फ्लू कलेक्ट्स बाई फिल्ट्रेशन, यहाँ से है जो कि हीमोलिम्फ, जो कि इन एनिमल्स के अंदर वैसे वो रेड ब्लड तो नहीं होता तो ये एक नॉन समझे इट इज अ कलरलेस इट इज अ कलरलेस ब्लड और वहाँ से ये एब्जॉर्व करता है nitrogen space or surplus water. labyrinth, the wall of which are greatly folded and is glandular and an important site for the reabsorption. so it's maybe a reabsorption collection or this a reabsorption so the next is that nephril canal, a canal that leads into the bladder. from the, from the bladder, the, uh, uh, it is a short duct. In fact, that leads to an excretory pore. You see, bladder se yo, there's a pore which opens to the outside. The fluid filters into the anterior gland from the hemocyle. This is hemocyle the hemo, hemo to cavity hai na? Is hemocyle present hemolymph. And the heart hai, wo, uh, exert karta hai pressure on the hemolymph. And easy pressure you filtration process some quick. Hai. This is in fact the driving force for the quick filtration of the blood. Now, the marine crustaceans have a short nephridial canal and produce urine that is isotonic, that is isosmotic to their hemolymph. These animals which are marine or uh, just under this is, uh, isosmotic. यानी इंटरनली और एक्सटर्नली जो कंसनट्रेशन है या ऑस्मोटिक uh, प्रेशर uh, है वो एक जैसा रहता है तो वहाँ पे इस कैनाल की इतनी जरूरत uh, uh, जो समझे नहीं है जिसकी वजह से वो इट्स वेरी स्मॉल इन साइज तो दिनफिल कैनाल इज़ लॉन्गर इन फ्रेश वाटर अलाउ मोर सर्फिस एरिया फॉर ऑयन ट्रांसपोर्ट so yeah, this is again it is a excretory system which is uh, which is present in usually in most of the crustaceans so this is all about the excretory system in uh, uh, this group of animals